हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि मैं यहां पर आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ के बारे में बताऊंगा, जो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा फ्यूचर में। दोस्तों, जो रूटेड फ़ोन है, रूटेड फ़ोन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ रूटेड एप्लीकेशन होता है जो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। जैसा कि फास्ट में मैं नाम लेना चाहूँगा, वो है दोस्तों लाकी पेचर का। दोस्तों, लाकी पेचर मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो लाकी पेचर है, ये लाकी पेचर इतना दोस्तों बढ़िया एप्लीकेशन है। दोस्तों, इसको अगर हम लोग रूटेड फ़ोन में यूज़ करेंगे तो हम बहुत कुछ दोस्तों कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ। और दोस्तों, दूसरा जो है वो है दोस्तों गेम गार्डियन। ठीक है, अभी गेम गार्डियन ऐसा एक एप्लीकेशन है जिससे जब मैं पबजी या फ्री फायर को खेलता था, तब मैंने एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करके, मैं स्क्रिप्ट को रन करके पबजी और फ्री फायर को मैं हैक कर सकता था। दोस्तों, ये गेम गार्डियन बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन माना जाता है रूटेड सेट के लिए, जो दोस्तों हमको गेम को हैक करने के लिए दोस्तों मदद करता है। अब दो तीसरा ऐप्स का मैं नाम करूंगा, वो है दोस्तों है टारमार्क्स। दोस्तों, टारमार्क्स एक ऐसा ऐप है जहाँ पर दोस्तों आप कमांड को अगर जानते हैं तो आप कमांड को दे के कुछ भी दोस्तों कर सकते हैं एंड्रॉइड में। ठीक है, आप एंड्रॉइड में हैकिंग भी दोस्तों कर सकते हैं टारमार्क्स के जरिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पर सेट को दोस्तों रूट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। अगर दोस्तों रूट नहीं होगा तो दोस्तों सेट अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, सेट को हम लोग कैसे रूट करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दोस्तों सेट को रूट करते कैसे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ज़्यादातर दोस्तों रूट सिस्टम इस टाइप से होता है कि आप लॉन्चर को डाउनलोड कीजिए और सिस्टम को रूट कीजिए, या आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाइए और आप जो फ़ोन है, फ़ोन का दोस्तों फ़ोन को रिस्टार्ट करके उसका बूट लूप को ऑन कीजिए और फिर आप अपने फ़ोन को दोस्तों रूटेड कीजिए। लेकिन दोस्तों, आप अगर चाहें तो आप बिना रूट सेट में भी रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको वर्चुअल ओएस को इंस्टॉल करना ज़रूरी पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने पहले यूज़ करता था पैरेलल एप्लीकेशन, तो पैरेलल एप्लीकेशन फ़िलहाल अभी बंद हो चुका है। तो अभी जो सबसे अच्छा वर्चुअल मशीन माना जाता है एंड्रॉइड के लिए, वो है दोस्तों वीमॉस। दोस्तों, वीमॉस एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है कि इससे आपका एक एंड्रॉइड के अंदर ही एक सेपरेट एंड्रॉइड वे सब लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना, लैपटॉप के अंदर वर्चुअली लैपटॉप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे एंड्रॉइड के भी अंदर आप एक एंड्रॉइड फ़ोन वर्चुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको दोस्तों रूटर की एक्सेस मिलेगा, रूट एक्सेस मिलेगा, और आप किसी भी गेम को या किसी भी एप्लीकेशन को चाहे तो आप उससे हैक कर सकते हैं, चाहे आप उससे कुछ भी कर सकते हैं जो रूटेड फ़ोन में अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे। ये देखिए, ये आगे है मेरा स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा मेन वाला स्क्रीन और दोस्तों ये है मेरा वर्चुअल ओएस का स्क्रीन। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर तीनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है। पहला है मेरा फेवरेट गेम जो है स्वाडिगो। स्वाडिगो को मैंने हैक किया था इस गेम गार्डियन के लिए। तो दोस्तों, मैंने इससे ज़्यादा स्टेबल ओएस नहीं देखा। ठीक है, मैंने वर्चुअल में बहुत सारा ओएस देखा है, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल ओएस मैं यहाँ पर नहीं देखा। देखिए, मैं यहाँ पर दोस्तों जो रूट है, रूट एक्सेस को मैंने यहाँ पर इनेबल कर रखा है। तो रूट एक्सेस जो है मेरा फ़ोन, अभी यहाँ पर फ़ोन मेरा रूटेड है। मैं आपको सिस्टम सेटिंग्स में भी जाके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरे डेवलपर ऑप्शन में मैं गया यहाँ पर। डेवलपर ऑप्शन दोस्तों इस टाइप से लाते हैं, आप अबाउट फोन में जाइए और वहाँ पर जाने के बाद आप बिल नंबर को इस टाइप से टैप करते रहिए, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी आप डेवलपर ऑप्शन को आने के बाद आप डेवलपर को खुलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाई देगा कि सारा जो सिस्टम जो है, सारा सिस्टम यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल है, जैसे मेन फ़ोन में दोस्तों होता है। ठीक है, अभी जो डेवलपर ऑप्शन, तो हम लोग यहाँ पर निकल जाते हैं। तो ये जो ओएस है, इसको इंस्टॉल करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको चाहे तो रेजुलेशन भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
आप यहाँ पर वर्चुअल बटन है, वर्चुअल बटन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है मेरा वर्चुअल बटन, आप चाहे तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये देखिए आप काम करते करते इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर दोस्तों टैप करके या यहाँ पर दोस्तों टैप करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपको चाहे तो आप इसको रेजुलेशन को काम ज़्यादा कर सकते हैं, आप टास्क को भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छा मैंने OS नहीं देखा, ठीक है। तो दोस्तों ये है मेरा VMOS। तो VMOS को कैसे डाउनलोड करते हैं आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों VMOS को डाउनलोड पहले क्या होता था, पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करके वहाँ से आप VMOS को डाउनलोड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन प्ले स्टोर ने ये ऐप्स को कुछ दिनों के बाद इसको हटा दिया है प्ले स्टोर से, क्योंकि ये कुछ कुछ ऐप का जो ऐप रूल का वायलेशन करता है, ठीक है। तो दोस्तों आपने आपको ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च करना है गूगल में VMOS, और VMOS लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो पहला में जो सर्च रिजल्ट आएगा वो है दोस्तों VMOS.com। दोस्तों पहले ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल था, लेकिन अभी दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पर जाने के बाद आप VMOS को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर VMOS डाउनलोड में टैप कीजिए। दोस्तों एक 312 MB का एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, तो मैंने यहाँ पर इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है, ये देखिए। तो चलिए मैं इसको आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए इस टाइप से करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल, ये कुछ दोस्तों टाइम लेता है क्योंकि बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल में प्रेस कर दीजिए। दोस्तों ये देखिए अब मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, तो मैं इसे अभी डाउन करके साइड में रखता हूँ। दोस्तों आपको और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वह दोस्तों VMOS टूल। ये कुछ कैलकुलेटर की टाइप का दिखने वाला एप्लीकेशन है, लेकिन दोस्तों इसका जो मेन काम है वह है VMOS को दोस्तों स्टेबल रखना और VIP एक्सेस को इनेबल करना, ठीक है। दोस्तों ये एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कीजिए। दोस्तों आपको इधर उधर किसी भी वेबसाइट में सर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों एक टाइप से VMOS का दोस्तों प्रो वर्जन के लिए जो टूल होता है ये इस टाइप का है। तो मैं इसको दोस्तों आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये किसी भी कैलकुलेटर नहीं है, ये VMOS का ही एक एप्लीकेशन है। ये देखिए अभी आप देखिए ये ऑन है, मतलब ये VMOS को अभी प्रो मोड में एक्टिवेट कर रहा है। अब चलिए दोस्तों VMOS को हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों VMOS को आपको ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का ये आपको इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर। तो आपको इसको सिंपल से स्किप करके जाना है, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग है, तो मैं ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस टाइप का क्या है। तो अभी आप जो परमिशन ये मांगता है, जैसे कि है ये ऐप टॉप में जो परमिशन मांगता है, आप चाहे तो सबको ऑथराइज कीजिए। अगर आप ऑथराइज नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन रन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सबको ऑथराइज कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर एंटर VMOS को प्रेस करता हूँ। अभी ये दोस्तों कुछ टाइम लगेगा इसका रोम को एक्सेस होने में, ठीक है। ये दोस्तों करीब 10 मिनट से लेकर 20 मिनट के अंदर ये होता है, ठीक है। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोसेस दोस्तों सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। अभी ये कंप्लीट होने के बाद VMOS का दोस्तों मेन होम पेज यहाँ पर खोल जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट टेक्स 5 to 10 मिनट टू स्टार्ट VMOS। तो दोस्तों इसको आपको किसी भी टाइप का कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन को इस टाइप से रखना है, ठीक है। इस टाइप से आप उसको रख दीजिए किसी भी जगह में। तो ये कुछ टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल से ये मेरे फ़ोन में तो करीब 10 मिनट के आसपास ये टाइम लगा, और फिर दोस्तों ये 100% होगा और आप VMOS को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी 10 मिनट के बाद हमारा जो प्रोसेस है ये 100% कम्प्लीट हो चुका है। अभी कुछ टाइम के बाद दोस्तों ये VMOS है, ये VMOS दोस्तों ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैं इसके मतलब ये है कि मेरे फ़ोन के अंदर ही एक छोटा सा फ़ोन दोस्तों ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों ये पर मेरा फ्लोटिंग विंडोज आ चुका है, फ्लोटिंग बटन, ठीक है, फ्लोटिंग बटन आ चुका है। अभी ये देखिए ये मेरा है VMOS एप्लीकेशन, मतलब मैं मेरे फ़ोन के अंदर एक वर्चुअली फ़ोन का निर्माण कर चुका हूँ सक्सेसफुली। आप चाहे तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको रूट कर सकते हैं। तो मैं रूट करने की तरीका आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए नीचे सेटिंग, ब्राउज़र के साइड में जो नीचे सेटिंग ऑप्शन है वहाँ पर जाइए। जाने के बाद यहाँ पर देखिए रूट करके एक सिस्टम आएगा, वहाँ पर आप रूट को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर इनेबल रूट कीजिए, और यहाँ पर आप वॉच नाउ में सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी ये 30 सेकंड का टाइम लेगा,
ये देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन दोस्तों ऑटोमेटिकली रूट हो गया। अभी आप हम इसको रिस्टार्ट करते हैं और वीमोस को फिर से हम लोग ओपन करते हैं। तो हमारा तो जो वीमोस है वीमोस सक्सेसफुली ओपन हो चुका है और वो दोस्तों रूटेड एंड्रॉयड सिस्टम है। तो दोस्तों ये वीमोस है, वीमोस में आप किसी भी, ये देखिए आप किसी भी रूटेड ऐप्स को दोस्तों चला सकते हैं। इस टाइप से आप एक एंड्रॉयड सेट में बिना रूट हुआ एंड्रॉयड सेट के अंदर आप रूट का इस्तेमाल करके दोस्तों सुपर यूज़र बन सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों ये तो हो गया मेरा रूट एक्सेस का। अभी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ इसका और कुछ फ़ायदा के दोस्तों। यहाँ पर आपका जो फाइल मैनेजर है, ये फाइल मैनेजर में आप किसी भी ऐप्स को या किसी भी फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर मेरा एक अच्छा ऐप्स को इंस्टॉल करूँगा, तो मैं यहाँ पर ऐप एडिटर को दोस्तों मैं यहाँ पर क्लियर विजन इस गेम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्ट को मैं प्रेस कर दूँगा। तो क्या होगा दोस्तों, ये देखिए ये मेरा इस टाइप से आएगा और यहाँ पर इंस्टॉलिंग इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर मेरे दोनों है और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा गेम जो है, मैं गेम को यहाँ पर इस ओएस में मैंने कैसे हैक किया है। तो ये देखिए ये है मेरा गेम और ये देखिए मैंने अभी भी गेम को कोई भी लेवल को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन मैं गेम को दोस्तों पूरा तरीके से हैक कर लिया है। ठीक है, इस रूटेड में मैं यहाँ पर यूज़ किया है गेम गार्डियन को और दोस्तों गेम गार्डियन की मदद से मैं इसको हैक किया है। मैं यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ को खरीदूंगा तो मेरा देखिए कॉइन दोस्तों कम नहीं होगा। ठीक है, ये कॉइन मेरा फुल कॉइन में कन्वर्ट है अभी दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों मैं नीचे डाउनलोड लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप वहाँ से दोस्तों इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में आपको इस टाइप का टेक्नोलॉजी का रिलेटेड वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं दोस्तों जल्दी ही मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा कि कैसे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रूटेड सिस्टम में हैक किया जाता है या किसी भी एंड्रॉयड गेम को कैसे आप लोग चीट कर सकते हैं। ठीक है, गेम गार्डियन से। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep beat.